मॉर्निंग एवरीवन। और के का जो पहला टॉपिक है वो हम लोग मैंने आहुति बनकर देखा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब इनका नेक्स्ट टॉपिक है हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है, सभी जानते हैं कि हिरोशिमा जो है जापान का एक शहर है, ठीक है। और हिरोशिमा नागासाकी जो है, इसी पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो था परमाणु बम गिराया था, ठीक है, जिसके कारण एक भीषण नरसंहार हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका 1139 से लेकर 1145 तक हुआ, ठीक है। तो 1139 से लेकर 1145 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसी दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। तो परमाणु बम के गिरने से जो त्रासदी हुई थी, उस समय जो नरसंहार हुआ था, जो मौतें हुई थी, जो घटनाएं घटी थी जापान में, उसी का कवि अज्ञे ने अपनी पंक्तियों में वर्णन किया है। तो एक तो कवि प्रगतिवादी कवि हैं, मतलब प्रयोगवादी, यथार्थता का वर्णन करने वाले। तो कवि कहते हैं कि अपनी पंक्तियों में हम देखेंगे, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। तो कवि कहते हैं कि एक दिन जो है, कहते हैं कि जब प्रभात हुई, कहते हैं कि रोज दिन निकलता है, लेकिन एक दिन जापान के लिए, जापान के हिरोशिमा शहर के लिए ऐसा हुआ कि अचानक सूर्य निकला। कहते हैं कि सूर्य तो रोज निकलता था, लेकिन एक दिन ऐसा सूरज निकला जो क्षितिज पर नहीं, मतलब जो आसमान पर नहीं निकला। क्षितिज स्थान होता है कि जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। तो कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक जो सूर्य निकला, ऐसा सूर्य निकला जो क्षितिज पर, मतलब आसमान पर नहीं निकला, बल्कि हिरोशिमा नगर के चौराहे पर निकला। कहते हैं कि वो सूर्य जो था आसमान से ना निकल कर हिरोशिमा नगर के चौराहे पर निकला। मतलब कहते हैं कि जब बम हुआ तो ऐसा विस्फोट हुआ कि जैसे लगा कि नगर के चौराहे पर सूर्य उदित हो गया है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। कहते हैं कि बम विस्फोट से ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सूरज के निकलने से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो बम रूपी सूर्य जो था वो धरती से निकला, मतलब धरती को फाड़कर उसका प्रकाश जो था वो फैल गया फटी मिट्टी से। कहते हैं कि धरती की मिट्टी को फाड़कर वो बम रूपी सूर्य जो था, उसकी प्रकाश इतनी तीव्र थी कि वो नगर के चौराहे पर फैल गया। छाएं मानो जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। छायाएं मानो जन की, छायाएं मानी होती है जो हर मनुष्य की छाया होती है। तो अज्ञे जी कहते हैं कि परमाणु शक्ति के ऐसे प्रयोग से जो अमेरिका ने प्रयोग किया था, उससे मानव जन की, कहते हैं कि सभी मनुष्यों की जो दिशाएं थी वो अपने आप बदल गई। कहते हैं कि जैसे ही सूर्य रूपी बम जो है वो हिरोशिमा पर गिरा, तो जो मनुष्य जहां पर था उसकी दिशाएं जो थी सब वहीं पर खो गई। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो था इतने मानवीय कृति से, इतने प्रकोप से छितर बितर हो गया, सब ओर पड़ी। कहते हैं कि मानव की जो लाशें थी, जो मानव के अंग थे, वो सब इधर उधर पड़े हुए थे। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कहते हैं कि जो सूरज लोगों ने अचानक चमकता हुआ देखा था, वो सूर्य की रोशनी नहीं थी, वो सूर्य कोई पूरब में नहीं उगा था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कहते हैं कि वो जो था ऐसा था कि जो मनुष्य द्वारा रचा गया जो सूर्य था, जो परमाणु बम रूपी सूर्य था, जो मनुष्य ने तैयार किया था, ये उसी का अचानक प्रकाश बरसा था नगर में, मतलब हिरोशिमा रूपी नगर में जो मनुष्य द्वारा बनाया गया सूर्य के रूप में, सूर्य के प्रकाश के बराबर प्रकाश को उत्पन्न करने वाला जो बम तैयार किया गया था, ये उसी का प्रकाश था। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो। कहते हैं काल माने होता समय, जैसे काल रूपी सूर्य के
जो सूर्य के रथ होते हैं, पहिए होते हैं, अरे माने डंडे, कहते हैं जो काल रूपी सूर्य के रथ के जो पहिए थे वो टूटकर नगर के चौराहे पर बिखर गए। कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जो सूर्य देव है, कहते हैं कि वो रथ के पहिए पर सुबह निकलते हैं। कवि ने कल्पना की है कि प्रभातकालीन सूर्य जो है रथ पर सवार होकर आता है। तो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस दिन जो सूर्य है वो काल के रूप में उसका पहिया जो है टूटकर हिरोशिमा के शहर पर बिखर गया हो दसों दिशा में। कहते हैं कि जो दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं बोली जाती हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूरा, पूरा पश्चिम, पश्चिम उत्तर, दक्षिण उत्तर, तो ये सभी मिलाकर दसों दिशाएं। कहते हैं कि चारों ओर जो है परमाणु बम जो के प्रकोप से, मतलब परमाणु बम के, सूर्य रूपी परमाणु बम के प्रकाश से सभी दिशाओं में मनुष्यों के और जीव जंतुओं के और वहां के ईंटे पत्थरों सभी जो है वो टूट कर बिखर गए थे। कहते हैं कुछ क्षण का हुआ उदय अस्त। कवि कहते हैं कि जो हिरोशिमा में लोगों ने थोड़ी देर का प्रकाश देखा था, क्षण भर मतलब थोड़ी देर का उदय, मतलब सूरज के उदय होने का और सूरज के डूबने का जो प्रकाश था वो बहुत क्षणिक था। कहते हैं कि केवल एक रोशनी हुई और तुरंत ही अंधकार में सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि केवल एक प्रज्वलित क्षण की, कहते हैं कि उस जलते हुए क्षण में दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फेर। कहते हैं कि जो क्षण प्रकाश का उज्ज्वलित हुआ था, जो प्रकाश क्षण भर के लिए फैला था सूरज का, वो ऐसा प्रतीत हुआ था कि जैसे उसने अपने आसपास के सभी दृश्यों को अपने अंदर समाहित कर लिया हो। कहने का अर्थ है कि जो प्रकाश था उसके बाद जब प्रकाश छिप गया, बंद हुआ, मतलब बम विस्फोट का धुआं जो था वो ऐसा प्रतीत हुआ था कि जैसे उस प्रकाश के उदित होने के बाद तुरंत ही उसने अपने आसपास की सभी दृश्य घटनाओं को सोख लिया था, मतलब उसकी दोपहरी भी फिर ना हुई। कहने का अर्थ है कि हिरोशिमा में जो कुछ ये घटनाएं मानव द्वारा रचे, उस सूर्य की रोशनी में वहां की जो जनता थी वो विलीन हो गई। कहते हैं कि उसी दृश्य में, उसी जो एक प्रकाश था, उसी प्रकाश में सब कुछ अस्त हो गया। छायाएं मानो जिनकी नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। कहते हैं, कवि कहते हैं कि छायाएं मानो जिनकी नहीं मिटी, तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि उस सूर्य की रोशनी से मानव की छायाएं जो हैं वो डूबते हुए सूर्य के साथ लंबी होकर मिटती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। लंबी होकर कहते हैं कि इतना भीषण संहार हुआ था कि मनुष्य के जो प्रतिबिंब थे, जो छायाएं थी, मतलब मनुष्य की परछाई तक वहां पर नामो निशान नहीं दिख रहे थे, मानव ही सब भाप हो गए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की प्रचंड आग और धूप से समुद्र का पानी भी भाप बनकर गायब हो जाता है, उसी प्रकार बम रूपी सूर्य के प्रकाश से हिरोशिमा शहर के मनुष्य, जीव जंतु और यहाँ तक कि ईंटे पत्थर की जो दीवारें थी, सब कुछ जो थे वो समुद्र के पानी के समान भाप बनकर गायब हो गए। कहते इतना भीषण संहार था कि सूर्य की तपिश के समान, उस परमाणु बम की तपिश से सभी मानव जन जो थे वो भाप बनकर उड़ गए, अर्थात उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। अब कवि कहते हैं छायाएं तो अभी लिखी हैं, छाया मतलब जो भीषण संहार हुआ है उसका इतिहास, उसके चिन्ह जो है वो आज भी हिरोशिमा शहर में दिखाई देते हैं। झुलसे हुए पत्थरों पर कहते हैं कि जो भीषण संहार हुआ था, भीषण बम विस्फोट हुआ था, उससे जो पत्थर झुलस गए थे, पत्थर जो टूट गए थे, सड़कें उखड़ गई थी और गच दरारे। कहती हैं कि सड़कों की, जो हिरोशिमा इतना सुंदर शहर था, वहाँ की सड़कें जो हैं वो ऊबड़ खाबड़ हो गई, उनमें दरारें पड़ गईं और पत्थरों के झुलस जाने के कारण उनके जलने के चिन्ह भी जो हैं उस पर रह गए। कहते हैं कि आज तक भी
कहते हैं आज भी वहां की उजड़ी हुई सड़कों और परमाणु बमों की आग से झुलसे पत्थरों पर उस त्रासदी की काली छायाएं जो है, काली छाया जो है वो आज भी दिखाई देती है। कहते हैं कि हिरोशिमा का जो इतिहास है वो वहां के जले झुलसे पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों और दरारों के रूप में आज भी वहां के बम विस्फोट की गवाही देता है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। तो मानव का रचा हुआ सूरज, कहते हैं, कवि कहते हैं कि मानव ने, जिस मनुष्य ने अपने ज्ञान अनुभव बुद्धि शिक्षा के बल पर, जिस मानव ने अणुबम मतलब सूर्य के समान भयंकर ताप वाले गोले के समान एक अणुबम का निर्माण किया था, जिस सूरज का, कहते हैं एक सूरज को तो प्रकृति ने निर्धारित किया था, प्रकृति ने बनाया था, लेकिन जिस सूरज को मनुष्य ने बनाया था उसमें भी सूर्य के समान आग थी और उसी के समान उस पर भयंकर गैसों का संग्रह था जो मानव को भाप बनाकर सो गया। कहते हैं वो मनुष्य को उसी प्रकार भाप बनाकर सो गया जिस प्रकार सूरज जो है वो धरती के पानी को सोख लेता है और फिर बूंदों के रूप में धरती पर वापस करता है। उसी प्रकार मनुष्य द्वारा बनाया गया जो अणुबम रूपी सूरज था वो मनुष्य को भाप बनाकर ही सोख गया। कहते हैं मनुष्य ने ही परमाणु बम बनाया था और वो मनुष्य को ही खत्म कर गया। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है उसकी मानवता जो है उस आग ने मानो तो मानो पत्थर तक को काला बना दिया था। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी माने होता है साक्ष्य, गवाह। कहते हैं कि पत्थर पर लिखी हुई, कहते हैं कि जो हिरोशिमा नागासाकी में बम विस्फोट से पत्थरों पर जो जलने के चिन्ह थे, मनुष्य के गिरने के जो चिन्ह थे, निशान थे, कहते हैं कि उनकी जो भीषण संहार की गाथा थी वो वहाँ के पत्थरों के साथ साथ मनुष्यों के शरीरों पर भी आज तक चिन्हित है। जली हुई छाया, कहते हैं कि जो जल गए थे, झुलस गए थे और पत्थरों की जो झुलसे हुए पत्थर है उन पर भी मनुष्य जो है वो आज भी उसकी परछाई या उसका छाया चित्र दिखाई देता है। मानव की साखी, कहते हैं कि ये मनुष्य के विनाश के ही विनाश की गवाह है। कहते हैं कि मनुष्य ने जो विनाश की कगार तैयार की है, कहते हैं कि मनुष्य ने जो विकास किया है, जैसा रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा था, किंतु नर प्रज्ञा बुद्धिशालिनी। कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि जो है बहुत गतिशालिनी है, प्रज्ञाशालिनी है, मतलब बहुत बुद्धिमान है। तो वही चीज अज्ञेय ने भी कही, उसी के तुरंत बाद हिरोशिमा की घटना घट जाती है। तब अज्ञेय कहते हैं कि मनुष्य ने ही जिस परमाणु बम का निर्माण किया है उससे मनुष्य का ही विनाश हो गया है। तो कहने का अर्थ है कि अंततः मनुष्य जाति जो है मानवता के ही खतरे में आ जाती है। इसलिए कवि ने इस शिक्षा के कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से संदेश दिया है कि मानव को विज्ञान का जो है वो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जिन लोगों को ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें। और आपका जो अज्ञेय का पहला टॉपिक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया गया है और इसकी प्लेलिस्ट डाल दी गई है, ठीक है। तो जिन लोगों के टॉपिक्स छूट गए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके इसके लिंक से कनेक्ट होकर अपना जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है और उससे आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय।